कालचक्र की धुरी पर बैठा मानव दर्शन की अद्भुत गाथा गीता ज्ञान सुने परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी द्वारा और जीवन दर्शन की पराकाष्ठा को प्राप्त करें। कहते हैं बिना पूछे कुछ बोलना नहीं और बेवकूफी है, बुद्धिमत्ता का लक्षण है। हम तो सलाह देते रहते ना लोगों को, जो पूछे ना पूछे सलाह देते जाओ, ये नहीं, पूछे तो ही जवाब दें। और जिस बात में कोई पूछता है तभी बोलना चाहिए। हम क्या करते हैं, अपनी कथा शुरू कर देते हैं। घर में कोई आता है मेहमान, बस उनकी उनका सुख दुख नहीं पूछते हैं, उनके सामने आओ, कहते हैं आप कहाँ गए थे, मैं चंडीगढ़ गया था। आप चंडीगढ़ हो, हम भी गए थे। किसने पूछा भाई तुम्हें, तो भी गया था कि नहीं गया था। आप अपना शुरू कर देते उनको, और जब शुरू हो जाता है बंद करना नहीं जानते। यही चक्रव्यूह है अभिमन्यु का कि शुरू तो कर दिया बोलना। हम अपना आपसी संबंध इस तरह से बोल बोल के बिगाड़ लेते। जो कम बोलता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है, जो बहुत ज्यादा बोलता है कम बुद्धिमान है, और बिना पूछे बोलने लगता है तो वो तो बुद्धिहीनता है। तो सबसे पहले धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवाश्चय किम कुर्वत संजय। राजा अंधा मगर बुद्धि से बड़ा चलाक, तो वो पूछता है क्या हुआ बताओ। तब संजय बोलने लगते हैं। देखिए हमारे जो जो भी शास्त्र हुए हैं आज तक, वे सब प्रश्न पूर्वी का है। कोई ना कोई पूछता है प्रश्न, फिर कोई और उत्तर देते हैं। पार्वती जी पूछती है, शंकर जी उत्तर देते हैं, एक फिर आगम शास्त्र शुरू हो गया। इसी तरह शौनकादि ऋषि पूछते हैं, फिर सूत महर्षि उसके उत्तर रूप में देते हैं। वो प्रश्नोत्तर के रूप में ही हमारे सारे ग्रंथ की रचना हुई है। तो गीता में प्रश्न जब पूछा, बताओ मुझे क्या हो रहा है,